यस, अब सभी पेपर्स के मैं एक एक वन बाय वन सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के सॉल्यूशन आंसर्स बता रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि सारे आंसर सही हों। फिर भी देखिए पेपर मैंने ही सॉल्व किया हुआ, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में आंसर में चेंज हो। इस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके या क्रॉस चेक करने की जरूरत है और आप मुझे भी बताएंगे तो मैं उसको क्रॉस चेक करके डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा, एक बात। दूसरी बात, इस वीडियो लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसमें लिंक है जहां पर पेपर्स भी मिलेंगे और ये आंसर्स भी मिलेंगे, तो आप लोग क्रॉस चेक करिएगा। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो एक सिंपल सी बात है कि आप बोलो ए है या बी है सी है, उससे अच्छा आप भी खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। और लास्ट टाइम भी पिछले तीन बार से मैंने जो आंसर दिए हाईएस्ट एक्यूरेट थे, बाकी कई जगह आपको 10 12 15 का आंसर भी गलत मिल सकते हैं, पर मैं श्योर हूं कि आप एक दो से ज्यादा हो सकता है, किसी में भी चेंज नहीं हो सकता, एक दो में भी ना हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारे आंसर सही हों। अब जब हम सेट डी की बात करते हैं तो सेट डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था, इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले, तो उसका करेक्ट आंसर था बी। सेकेंड का आंसर था बी। थर्ड का आंसर था बी बॉम्बे। फोर्थ पे जब हम आते हैं तो फोर्थ का आंसर था डी दिल्ली। फिफ्थ पे जब हम आते हैं तो उसका आंसर था सी 246। देन सिक्स का जब नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो उसका आंसर था बी बॉम्बे। सेवन्थ की जब बात करते हैं तो उसका आंसर था बी बॉम्बे, राइट। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो एट का करेक्ट आंसर था डी दिल्ली। नाइन्थ की जब बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर था सी। टेंथ का आंसर देखें तो बी बॉम्बे। इलेवेंथ का आंसर देखें तो डी दिल्ली। एंड ट्वेल्थ का आंसर देखें तो ए। ट्वेल्थ के बाद आते हैं थर्टीन पर। थर्टीन का आंसर है सी। फोर्टीन, ये सेट डी की बात कर रहे हैं, थर्टीन का है सी। फोर्टीन का करेक्ट आंसर है सी। फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 16 का करेक्ट आंसर है ए। 17 का करेक्ट आंसर है बी बॉम्बे। 18 का करेक्ट आंसर है ए 0। 19 का करेक्ट आंसर था बी बॉम्बे, इसमें हाईएस्ट मिस्टेक हो सकती थी। 20 का करेक्ट आंसर है सी। 21 का करेक्ट आंसर है डी दिल्ली, ये बहुत हाईएस्ट मिस्टेक वाला क्वेश्चन था, केयरफुल रहिए। 22 का करेक्ट आंसर है बी बॉम्बे। जब हम बात करते हैं 23 की तो 23 का बी बॉम्बे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस डेफिनेशन थी। 24 का डी दिल्ली। देन 25 पे जब हम आते हैं तो आंसर था ए। 26 का आंसर की बात करें तो डी दिल्ली -4। और मैंने इनके पूरे जो सॉल्यूशन डाले हैं वो जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 27 का जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है सी। 28 की बात करें तो बी बॉम्बे। 29th की बात करें तो ए आइसोसेलेस। 30 की बात करें तो करेक्ट आंसर था कट इंटरसेप्ट पूछा था तो 2√g², तो इसका आंसर था ए 30A। नेक्स्ट 31 पे जब जाते हैं तो 31 का डी। 32 पे जाते हैं तो ए। 33 पे जाते हैं हम जब तो सी। 34 पे जब हम जाते हैं तो बी। 35 का ए। 36 का ए ओनली। 37 का डी। 38 की जब बात करेंगे हम तो 38 का ए। 39 का डी दिल्ली। 40 का इनवॉलेंटरी बी बॉम्बे। 41 की जब बात करेंगे तो 41 का डी दिल्ली, लॉजिक से बताया था मैंने। 42 का बी बॉम्बे। 43 बी बॉम्बे। 44 बी बॉम्बे। 44 बी बॉम्बे। 45 का बी बॉम्बे। नेक्स्ट आते हैं 46 ए। 47 सी। 48 सी। 49 बी बॉम्बे। 50 ए। 51 ए। 52 ए। 53 सी। ऐसे ही मैं आपको बोलना, कहीं ऐसे गलत लिख दिया हो तो सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। 53 सी। 54 डी दिल्ली। 55 बी बॉम्बे। 56 सी। 57 बी बॉम्बे।
58 बी बॉम्बे, 59 बी बॉम्बे, 60 बी बॉम्बे, रूट 5 माइनस 1 बाय 4, 61 सी, 62 सी, इसमें हाईएस्ट मिस्टेक हो सकती थी, आप लोगों को लगेगा डी होगा, 63 ए, 64 डी दिल्ली, 65 जो मैं बोलना वो भी सुनते चलेगा सी, 66 का आंसर है ए, ई पावर एक्स सेक एंड माइनस दिस, 67 बी बॉम्बे, 68 डी दिल्ली, 69 ए, जब 70 की बात करेंगे तो बी बॉम्बे, 71 बी सॉरी डी दिल्ली, 72 ए, 73 ए, 74 सी, 74 हाँ सी, 75 सी, बोथ 1 एंड 2, 76 सी, 77 सी, 78 बी बॉम्बे, 79 बी बॉम्बे, 80 सी, 81 सी, 82 बी बॉम्बे, 83 ए, 84 बी बॉम्बे, 85 मैं अभी डाउटफुल हूँ क्योंकि क्वेश्चन का जीरो होना चाहिए आंसर पर नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा, 86 ए, 87 भी डाउटफुल कंडीशन है, 88 इज सी, 89 ए, 89 ए, 90 इज बी, 91 बी बॉम्बे, 92 सी, 93 ए, 94 ए, 95 डी दिल्ली, 96 सी, 96 मैंने इसको सॉल्व किया था शायद -106 आता है, -106 तो इसका आंसर सॉरी बी, एक बार मैं आपको बोलूंगा इन आंसर के साथ सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, वैसे भी सॉल्यूशन आपको बहुत हेल्प करेंगे, बी बॉम्बे एंड 97 डी दिल्ली, 98 ए, क्योंकि पेपर मैंने खुद ही सॉल्व किया, 98 ए, 99 बी बॉम्बे, 100 डी दिल्ली, आई थिंक परपेंडिकुलर चेक करना कितना, माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10, यस डी दिल्ली, 100 डी दिल्ली, 101 ए, 102 डी दिल्ली, 103 बी बॉम्बे, ऑड फंक्शन है, 104 डी दिल्ली, 105 सी, 106 ए, 107 डी दिल्ली, 108 ए, ये दिख रहा है, 108 बी बॉम्बे, 107 डी दिल्ली, 109 ए, 110 डी दिल्ली, 111 सी, 112 ए, 113 सी, 114 सी, 115 बी होता अगर प्लस माइनस होता, अभी मैंने इसको आंसर को छोड़ा है, 116 डी दिल्ली, 117 डी दिल्ली, 118 ए, 119 सी, 120 सी, बहुत ध्यान से बनाई हुई है, सॉल्व करके बनाई हुई है, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, कोई क्वेश्चन का आंसर हो सकता है यहाँ पर डी लिख दिया और सॉल्यूशन में बी लिखा हो या सॉल्यूशन में, तो आप दोनों को क्रॉस चेक करिए, 99% मैं बिल्कुल बोलूंगा कि एक्यूरेट ही होगी ये शीट, अपनी चेक करिए, बिल्कुल चांसेस हैं, देखिए अगर मैंने बोला जरूर है 130
के आसपास होना चाहिए, पर मैं बोलूं तो अगर 100 भी आपके पास स्कोर आ रहा है, 95 भी आ रहा है, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांस हैं, तो आप हो सकता है कट ऑफ क्लियर कर लें, राइट? नोट कर लीजिए। अरे सॉरी, ये 37 का आंसर है ए ए, और 73 हमने सॉल्व किया ना, क्या है 73 का? चेक, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं 73, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने उसको ए ही दिया है। 73 का बी बॉम्बे है, 2√2। यस, 73 का बी बॉम्बे है, 2√2 बाई चांस। ये इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कहीं बाई चांस यहां पर सॉल्यूशन में यही है, बी 2√2 है, पर ऐसी कहीं लिखते समय हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो आप बहुत केयरफुली चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन भी चेक करिएगा लाइन से। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन है, और वो इस तरह से टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आप पूरे आंसर्स आपको वहां सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, यहां एक सेपरेट शीट दी हुई है।